नमस्कार। ब्रेक के बाद एक मतलब फिर आपके पास हम हाजिर खिदमत हैं और गिमी टीवी आपके लिए एक एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे लिविंग लेजेंड नजमुल ख्वाजा नजमुल हसन साहब को सेलिब्रेट कर रही हैं। और जो कुछ उन्होंने अपने बहुत बहुत लेजेंडरी लोगों के साथ काम करते हुए जो उनका फर्स्ट हैंड नॉलेज है वो हम उनसे उनका फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है वो ले रहे हैं। फिर आप जितने भी गिमी टीवी के व्यूअर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुझे मुझे अच्छी तरह पता है यूरोप में भी बहुत शौक से देखा जा रहा है और हमारी वहाँ पे सदफ मिर्जा बैटीमी है यूरोपियन लिटरेरी सोसाइटी की, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। उन्होंने भी नाम लिया था केशव गुप्ता, करें नजमुल हसन साहब का प्रोग्राम क्योंकि हमें ज़रूरत है हमारे इन कंट्रीज में हमारी नौजवान नस्ल को भी, क्योंकि जो लोग जरा हमारी जनरेशन जो बाहर आ जाती हैं और हमें खुद भी बहुत शौक है सीखने का तो क्यों ना भी सीखें। तो आइए देखते हैं कि आज हमें आज की इस एपिसोड में ख्वाजा साहब किसकी बात करते हैं। जी ख्वाजा साहब आज किसको अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, तीन क्वींस तो हमने डिस्कस कर ली हैं गालिबन, अब आज हम गजल की जो मलिका हैं जी जिनके बगैर गजल बिल्कुल नामुकम्मल है, और वो हैं फरीदा खान। जी फरीदा बिल्कुल खानम के साथ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अपने पहले एपिसोड में कि 1974 में सुखनवर प्रोग्राम में वो आई, और उस वक्त बल्कि मुझे याद है एक तो वो गाना उन्होंने किया वो इश्क जो हमसे रूठ गया, मगर दूसरी तरफ ज़िया जलंधरी साहब पे प्रोग्राम था सुखनवर में, चांद है निकला ना बादली जमा जम बरसा। अच्छा वो गाना वो आई खलील साहब ने बनाया हुआ था और इन्हें अच्छा भी लगा, इन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज में गाया, बल्कि मैंने इसको कलर में दोबारा से, उस वक्त तो ब्लैक एंड व्हाइट था 74 में, ये मेरे पेज पे लगा हुआ है आप उसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकती हैं, जी जरूर, कलर में है तो थैंक ये बहुत अच्छा इन्होंने गाया। अच्छा फरीदा जी की एक बात मैं आपको बताऊं, दूसरों को तो आप कॉपी करके गा लेते हैं नूरजहां को या लता को या कोई, फरीदा जी को गाना आसान नहीं है, एक तो उनकी आड़ी गायकी है। अच्छा आड़ी गायकी का मतलब होता है कि उनके ऑफ बीट गाती हैं वो, ये वाहिद फनकारा हैं गजल की जो अपना इस अंग में गाती हैं और इस अंग में कोई और गा नहीं सकता। देखिए ऑफ बीट गाने का मतलब ये हुआ कि कहीं कहीं सम पे भी आना होता है ना सिंगर को, सम पे आती हैं वो मगर अपने अंदाज में। अच्छा अब वो अक्सर ये कहती हैं कि देखें बात सुने, मेरे उस्ताद ने मेरा बेस ऐसा बनाया था, जब वो उस्ताद सिखा रहे थे आशिक अली खान साहब पटियाला घराने के, तो उन्होंने इनको बेस कहती, 10 साल तो मेरे बेस बनाने में लग गए उनको। अच्छा अब ये जो बहलावे में लेती हूँ और ये सॉफ्ट कहती हूँ एक्सप्रेशन लेते हुए, ये सारा कुछ मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया, और सारा जो है वो नीचे 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 नीचे, आप अगर आप गौर से देखें तो वो आज जाने की जिद ना करो। एक दफा ये हुआ कि इन्होंने मुझे कहा कि आज वो एक बहुत बड़ा फंक्शन था सरीना में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो मुझे इन्होंने कहा कि ये आज मैं प्रोग्राम इससे ना शुरू करूं आज जाने की, मैंने कहा जी कर लीजिए, सुहेल राणा ने कंपोज किया हुआ है फिल्म बादर और बिजली में, उस फिल्म फ्लॉप हुई तो गाना भी फ्लॉप हो गया, और वो गाना उन्होंने हबीब अली मोहम्मद ने गाया था फिल्म में, उसमें सुहेल राणा की मौसीकी थी और शबनम और नदीम पे पिक्चराइज हुआ था। तो अब मैंने कहती है तो एमन में और मेरा फेवरेट राग है एमन, आज मैं शुरू, मैंने कहा जी बिल्कुल करें। पहला इन्होंने जो शुरू किया है आज जाने की, अब देखिए जो लफ्ज है ना हाय मर जाएंगे, इतना हसीन कहा है, लोग पागल हो गए। अब आप सोचिए कि ये गाना जब ये चला है और जब फरीदा जी की अंग में चला है तो लोग तो एकदम, मीरा नायर वो मॉनसून वेडिंग उस वक्त बना रही थी फिल्म का, वो आई है इंडिया, लंदन, अमेरिका या लंदन जहां भी थी वो फिल्म कर रही थी, तो उसने कहा ये गाना मैंने जरूर डालना। अच्छा मुझे कॉल एक आई है, ताहिरा की कजन भतीजी हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में होती हैं, तो उनको उनकी दोस्त है, उनका फोन है नजम अंकल वो इस तरह आना चाह रही है, मीरा नायर थे ये गाना फरीदा जी ने गाया तो हम इसको लेना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी फरीदा जी ने गाया है तो फरीदा जी का नंबर देता हूँ आप उनसे बात कर लें, आप उनको जो भी देना चाहें करके कर लीजिए। कहती नहीं मगर आप बात कर लें, कर मैंने नंबर दिया, वो आई मीरा मीरा नायर, बड़ी अच्छी डायरेक्टर आपको तो पता ही है, सलाम उन्होंने बनाई हुई फिल्म, और ये गाना उन्होंने उनके घर गई और बड़े प्यार से उनसे रिक्वेस्ट की कि उसने कहा जी ले लो मुझे उसमें क्या कहा है, कोई थोड़ी सी रिन्यूमरेशन वगैरह किस टाइप हुआ वो मैंने पूछा नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा लगी
गाना ये ऐसा निकला है सरहद के पार कि बस वो फिर उन लोगों के तो दिल में समा ही गया ये गाना। और बोल भी बड़े अच्छे थे फयाज हाशमी के, आप सोचिए कितने खूबसूरत। अच्छे, बहुत अच्छे। हाय मर जाए, ऐसा अच्छा कहा है फरीदा। और राग एमन उनका फेवरेट राग आपको पता है फरीदा जी। जी 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 ऐसा खूबसूरत अंग। अच्छा फिर एक दफा ये हुआ कि है तो दिल की बहुत अच्छी, एक तो मैं उनकी इज्जत बहुत करता हूँ क्योंकि जिस तरह का उनका फन है वो वहां अभी तक तो कोई पैदा नहीं हुआ। तो उस वक्त हमारे तस्लीम फाजली एक शायर हैं, तो वो 82 में मेरे पास आए। तो उन्होंने कहा कि मेरे बड़े बुरे हालात हैं और पता नहीं मैं जिंदा रहूं कि ना रहूं, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये गाना आप कर रहे हैं अंदाज अपना अपना, तो फरीदा जी का प्रोग्राम है उसमें उनसे ये करवा दें। खलील अहमद बैठे हुए थे, मैंने कहा जी अच्छा। फरीदा जी आई, मैंने उनको बुलाया, तो मैंने कहा फरीदा जी ये तस्लीम फाजली है, तो बड़े बेचारे के हालात खराब हैं, नशों से खत्म हो गया है सिलसिला और अब उनके पास फिल्म भी कोई नहीं है। तो कहती हाय ख्वाजा जी मैं दसो ए गाने दे बोल मेरे ते सूट करनगे, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं क्यों सदा रही है छनन छनन, तो तुसी नाहिद अख्तर को करा लो। मैंने कहा ये सामने बैठे हैं और वो बेचारे कहते हैं कोई पता नहीं मैं कब मर जाऊं, तो मेरी यही। अच्छा दिल की तो बड़ी अच्छी ना, उनका दिल पसीन बिल्कुल आए अच्छा। सारा, पता नहीं मारे ना जावे किधर, आज ही ऐसे बैठा बैठे आपको पता है झुकते भी ऐसी मजे की होती है बात। बड़ी तो खैर उन्होंने कहा अच्छा अब वो रिहर्सल कर रही थी, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब वो मेरे पेज पे आप ये गाने का रिहर्सल जरूर दिखाइएगा, खलील अहमद जरूर उनको बता रहे हैं और वो जरूर गा रहे हैं। अच्छा जरूर। अब मैंने पैरों में पायल इन्होंने गाया, दूसरे दिन ये गाना सुपरहिट। अब आप सोचें कि कैसे वो हाथ जिस चीज को लगाती है ना वो सोना बन जाती, फरीदा जी में बहुत खूबी है। देखिए उस्ताद अमजद अली खान आए और उन्होंने इतनी तारीफ की, उन्होंने उनके वालिद का हाफिज अली खान का एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि ये लोग सरोद उनके वालिद भी और उनके जो हाफिज अली खान साहब है वो एक अवार्ड देते हैं कभी 5 साल के बाद अगर कोई बहुत ज्यादा किसी काम में। उन्होंने फरीदा जी को अवार्ड दिया 2005 में और उस पे लिखा कि इस दौर में अगर कोई गजल गा रही है और उस गजल में एक लगता है कि वो बहुत खूबसूरत काम कर रही है तो वो फरीदा खानम है। ये वाह बकायदा उनके उस पे लिखा हुआ है जो शील्ड हाँ उनपे मिली है ना। अच्छा ये अवार्ड लता जी को भी नहीं मिला हुआ हाफिज अली खान का अवार्ड, सोचिए प्रेस्टीजियस अवार्ड। अच्छा 82 में एक दफा मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर रही थी तो सत्यजीत रे का फोन आया लाहौर अच्छा से, जाहिर है घर पे तो थी नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं फरीदा जी से बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहीं से नंबर लिया होगा, उन्होंने फोन इनको किया, इनका जी मेरी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी मैं बना रहा अच्छा हूँ हिंदी में चेस प्लेयर्स के नाम से, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसमें गजल गाएं। अच्छा वो बड़ा एक्साइटेड हुई है ख्वाजा जी, और देखो कितना उन्होंने मन किया, बड़ा हम खुश हुए, हमने हमने कहा लो जी ये तो बड़ी सेलिब्रेशन है, हमने उस दिन खाना शाना वो किया। अब एनओसी के लिए अप्लाई किया तो उन्हें एनओसी नहीं मिला। मैंने कहा अब मैं उस दिन कह रहा था, मैंने कहा फरीदा जी अगर आज का दौर होता और सत्यजीत आपसे कहता आपने अपने कमरे में बैठ के गाना रिकॉर्ड करना था, ईमेल करना था, उधर चले जाना था, बिल्कुल होश भी नहीं होती। यही कर रहे ना आजकल के सिंगर्स, बिल्कुल बगैर से पूछे बगैर यही पूछे कि आप आया आपको फायदा हमारी हुकूमत को हो रहा है कि नहीं, ये नहीं। पुराने सिंगर्स में ये बड़ी खूबी थी, फरीदा जी ने कहा कि जी हुकूमत ने ना कीते ना हुन्नी मैं जावांगी ना मैं गावांगी, इसलिए कि देखे हमारी हुकूमत को तो फायदा नहीं है ना इस बात में, ये ना हो कि बाद में सबकी मैडम नूरजहां, जब तक उनको वो पर्सनल नहीं उनको आया मिला प्रेसिडेंट की तरफ से, वो 83 में मॉर्टल मैन इमॉर्टल मेलोडीज के लिए पहली मरतबा इंडिया गई थी और उन्होंने पहली मरतबा उस मजमे में गाना गाया जहां लता जी ने पहले गाया उसके बाद इन्होंने गाना गाया। तो ये लोग अपने मुल्क को बड़ा, देखें जब मैडम बहुत बहुत कहती थी कि मेरी आवाज जो है ना मेरे फौजी भाइयों के लिए, मेरे नगमे तुम्हारे लिए, अब देखिए जो ये लोग कह दें ये वतन से कितना प्यार इन लोगों का था और अभी भी है, अभी तक है। पुराने लोग मेहदी हसन को देख लें कितने खूबसूरत गाने जंगी उन्होंने तराने गाए, अमानत बिल्कुल अली खान के देखें ऐ वतन प्यारे वतन, आप देखें चांद मेरी जमी फूल मेरा वतन, ऐसी चीजें कि दिल से देखिए ये चीजें बनी हुई है आपके दिलों से, आप कम आप अंदर जगह। से बिल्कुल अच्छा और वो लोग भी ऐसे जिन्होंने बनाया है वो गुणी लोग हैं, उनको रागों की भी पहचान थी, उनको कंपोजिशंस का पता था कंपोजर्स को कि ये किस कंपोजिशन बनाएंगे,
शायर को यह पता था कि छोटी बहर का। अब आप देखिए उस दिन, मैं एक दिन रिकॉर्ड जब ये कर रहे थे मैडम के साथ, रंग लाएगा शहीदों का लहू, अब इतनी सी लाइन है, कितने मायने उसमें, रंग लाएगा शहीदों का भाई लहू, रंग लाएगा, आप देखिए कितनी अच्छी बात, इतनी सी उसमें बात कह 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 गया शायर, बहुत अच्छी बात है, छोटी सी बात है, या जिस तरह पुत्र हटाते नहीं बिकते। नहीं रहने आप देखें वो पुत्र पुत्र हटाते नहीं अभी भी ये अभी तो अभी 1.5 मिनट का ना अलाप है मैडम का शुरू में, अब जंगी तराना हो और उसमें 1.5 मिनट का अलाप हो और लोग आंखों में आंसू लेके बैठे हो, देखिए कितनी बड़ी बात है। या नसीम बेगम ने गाया राह हक के शहीदों, ये चीजें इतनी आसानी से बनती नहीं है। ये बड़े बड़े लोग जिन जिनका बैकग्राउंड था म्यूजिक में, वो मर गए। अब उन्होंने देखिए रागदारी में, कंपोजिशन बनाने में बहुत बड़ा हाथ होता है, और साथ शायर का बैठना, फिर साथ प्रोड्यूसर का बैठना, मैं साथ बैठा पूरी करता था जब ये चीजें बना करती थी, सोहेब साहब की हो या टीम उनकी पूरी हर टीम। पूरे एमी तो नहीं है टीम गाने हिट हो गए ना, ऐसे गाने तो नहीं हिट होते, इनमें कोई ना कोई बात होती है तो हिट होते हैं ना, तो ये चीजें। आप तो अभी जैसे आप वो एटीवी पे भी आप कर रहे हैं अभी वो भी आप तो पूरे नौजवान नस्ल के साथ भी आजकल भी जुड़े हुए हैं बहुत क्या ज्यादा ये आठवीं बहुत जनरेशन है जी, हाँ बिल्कुल तो आप तो ले रही हैं काम उनसे आप जैसा तो कोई एक ट्रेनिंग करने वाला बंदा हो गया क्यों कोई दूसरा ख्वाजा नजमुल हसन नहीं क्यों ये दूसरी मेलोडी क्वींस क्यों नहीं पैदा हो पाई क्या आप समझते हैं क्या रीजन है एक अभी बनी एक, देखिए इनमें से एक आपदा परवीन जी आई है ना, आपदा 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 ने बहुत मेहनत की, आपदा ने जितना, आपदा ने श्राइन्स में गाया, देखिए श्राइन्स से गाते हुए वो इतने प्रेस्टिजियस हॉल्स में गा रही हैं आजकल, बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी बात नहीं है। मैंने अभी उनकी डॉक्यूमेंट्री की आपदा की, आपदा का आगे प्रोग्राम जब क्वींस पे बात करेंगे तो करेंगे करेंगे वेलकम टू आपदा बंग, अभी नहीं मैं करना चाह रहा, अभी फिलहाल फरीदा जी पे ही बात करते हैं। जी देखिए ठीक फरीदा खानम की चीजें, है ठीक फैज की इतनी अच्छी उन्होंने गाई हुई है, तीन चार दाग तो वो कहती हैं, शर्मिला टैगोर आई ना पिछले 3 साल पहले, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आई हूँ सुनने के लिए फरीदा जी के, उन्होंने फोन किया कि मैं आपके घर आ रही हूँ खाना, उसने कहा खाना तो मैं नहीं खाऊंगी, सिर्फ आपसे मैं इसलिए मिलना चाह रही हूँ कि दाग की जो गजल है ना, वो हाँ कहिए कहिए मुझे बुरा कहिए हाँ नरवा कहिए, कितनी हंसी, वो शर्मिला को बहुत पसंद है। ये जब इंडिया गई तो उन्होंने, शर्मिला ने 2-3 दफा सुनी, उस दिन भी इनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ा सा जरा सुना दीजिए, ये ठहरी हुई थी यहाँ पे लाहौर में अवारी में, और इंटरव्यू अच्छा इनका फिर वो रिकॉर्ड भी हुआ था, और बहुत नफीस खातून है वो, बहुत नफीस है, और बड़े अच्छे उन्होंने उनसे लव अल्फाज से उन्होंने फरीदा जी को याद किया। अब देखिए जो जो लोग होते हैं ना, जिन लोगों को पता होता है कि कौन बिल्कुल कितने पानी में है, पता ये तो बात अब उन लोगों पे ही है ना जो अच्छे लोग होते हैं। सत्यजीत रे को पता था कि अगर ये मेरे फिल्म में अगर गजल गा देंगी तो सच जाएगी बात, क्योंकि है बेगम अख्तर उस वक्त हयात नहीं थी, ये 82 की बात कर रहा हूं मैं, सही तो अब आप देख लीजिए किस्मत की बात होती है। लेकिन आप देखिए उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को अपने वतन के साथ जो है उनकी सिंसियरिटीज उसको रखा सामने जी ये लोग थे, इनमें था, इतने सब में अस्तूत था, कैसे मैडम अस्तूत में था, फरीदा जी में, दोनों में बहुत, रोशन आरा बेगम में, देखिए जब 50 ईयर्स हुए हैं, गोल्डन जुबली मनाई गई है ऑल इंडिया रेडियो की, तो ऑफिशियली जियाउल हक साहब ने, प्रेसिडेंट ने रोशन आरा बेगम को भेजा और मलका पुखराज को भेजा, इसलिए कि खास तौर पे उन्होंने कहा था कि 1935 में जब पहली मर्तबा AIR ऑल इंडिया रेडियो वजूद में आया, तो ये दो खवातीन की गजलें उस वक्त, देखिए जो ही रेडियो आया ना वजूद में 1935 में ऑल इंडिया, साथ ही रिकॉर्डिंग कंपनी HMV बन गई, कोलंबिया बन गई, जहां से इनके तवे जो थे 78 RPM के, बिल्कुल 3.5 मिनट के, वो निकलने शुरू हुए, और ये दोनों कोइंस बन गई उस वक्त, रोशन आरा भाई और मलका पुखराज। क्या बात है फाजिल साहब आज हम खत्म करते हैं इनपे इनकी फरीदा फरीदा जी पे और आपको जहमत हम फिर देंगे क्योंकि अभी हमने नेक्स्ट वीक आपको इंशाल्लाह रोशन आरा बेगम है अभी, और जी गजल के किंग हैं, फिर हमारे नुसरत फतेह अली खान, किंग ऑफ किंग्स ऑफ हैं कवाली, उनके कवाली बगैर तो कोई चीज मुकम्मल होती नहीं है अच्छा मैं इंशाल्लाह। यहाँ पे इंशाल्लाह और एक बात आपके साथ मैं जरूर करूंगी कि मैं बहुत इस बात में कि एक सक्सेसफुल
मर्द के पीछे एक सक्रिय एक औरत का भी हाथ होता है, तो फर्द का आपकी जिंदगी में इस बहुत पूरे ज्यादा, मैं जर्नी आपको में कितना साथ है? जी देखिए, मैं आपको, जब हमारी शादी हुई ना 80s में, अर्ली 80s में, तो मैं लाहौर सेंट्रल पे था। तो अब हमारी ट्रांसफर, ज़िया जलंधरी साहब MD थे, तो एक दिन आए, उसने कहा मैं तुम्हें और शुएब को एकेडमी में भेजना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी इससे अच्छी तो कोई और बात हो ही नहीं सकती है। कहते मगर पहले तुम्हें ट्रेनिंग के लिए भेजूंगा बाहर, ड्यू मैकडैनियल, वहां से तुम करके आओगे ताकि तुम्हें पता लगे कि ट्रेनिंग होती क्या है। देखिए ये लोग थे, MD मेरे घर आए, मेरी ट्रांसफर ही, और फरहत उस वक्त अभी MA कर चुकी हुई थी, उनको जॉब यहाँ आते इस्लामाबाद में मिल गई, F72 कॉलेज में, अंग्रेजी में। तो उन्होंने कहा देखो तुम अपना कर, हम नए नए थे, दोनों मियाँ बीवी जॉब कर रहे थे, तो बच्चा बहुत छोटा था, जमाल हमारा बेटा, ये जो अभी जो टेली वो कर रहा था, तो हाँ फरहत ने कहा देखो तुम अपना करियर बनाओ, मैं इन बच्चों की परवरिश, वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं 11 बजे कॉलेज से आ जाती हूँ वापस, इनको मैं स्कूल से लूंगी, इनको बिठा के मैं पढ़ाऊंगी, आप अपना करियर बना ले। अच्छा अब जितने एक्टर्स थे, मैंने जब तानसेन किया तो जेबा भी हमारे पास आके ठहरी, आसिफ रजा भी हमारे पास ठहरा, फरियाल गौहर भी हमारे, अच्छा उस्मा गिलानी भी हमारे, शहनाज शेख भी, नैयरा हमारे घर में आके ठहरती हैं। तो अभी हमारा, मेरा दोस्ती जो है ना, अब आप देखिए जो मैंने नाम लिए हैं अभी तक, टीना सानी, ये सारे के सारे एक फर्द है हमारे फैमिली के, सारे के सारे। तो अब उनका तो आप देखे ना, कभी इनकार उन्होंने मुझे आज तक किया नहीं कि मैं कहूं कि यार ये चीज है, टीना बनी हुई है, तो अब तुम देखो इसको जरा से, इसकी शक्ल यूं ना कर ले, यूं ना कर ले, यूं ना कर ले, हाथ मेरा होता है पीछे बताने के लिए इस गजल को यूं कर ले, जी मगर गाना तो उन्होंने होता है ना, जी इस में गाएगी जी टीना या ताहिरा, ये तो ताहिरा और टीना और नयरा पे डिपेंड करता था ना, उन्होंने इसको कैसे उठाना है, मगर ये कि मेरा हाथ जरूर होता था हर चीज में, मैं बताता था ये क्लिक करेगी ये क्लिक नहीं करेगी, जो मैंने कहा मेरी जबान बड़ी काली। अच्छा उसके बाद ये हो कि मैंने अपने करियर पे, और साथ साथ आपने जब अभी अनाउंस इतनी लंबी लिस्ट की है कि फ्लोरिडा से भी आपने, डिज्नी वर्ल्ड से जी भी किया उधर, मतलब माशाल्लाह बहुत ऐसी ऐसी जगहों पे भेजा है, आप अगर किसी और का, आप बेशक मंगा लें, मेरे अलावा किसी और का मंगा लें CV, तो आप देख लीजिए कि जितना मेरी ट्रेनिंग्स और मेरा वो है, किसी और के पास इतना मेरा ख्याल होगा नहीं। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है, इसमें पैसे की कोई खेल नहीं होती, इसमें अल्लाह ताला खुदा की, हाँ देखिए प्यार मोहब्बत खुदा से मैं काम किया का 45 साल, कैन यू इमेजिन। अभी भी ये बच्चे जो आ रहे हैं मेरे पास, ये मैंने जब ये शुरू किया ना ये आलम शौक का, तो मुझे टीना कहती थी देखो अब हमें भूल जाओ, तुम मुझे और ताहिरा को अब ना लेना, अब तुमने बहुत काम किया, अब तुम एक काम करो, 8वीं जो जनरेशन है ना हर घराने की, वो बच्चे उठाओ नए, सुर में गाएंगे, कभी भी ये नहीं होगा कि वो सुर में ना गाएं, क्योंकि उन्होंने क्लासिकल सीखा हुआ है। पटियाला सीखा घराना, असद का बेटा वो आया हुआ था, सलमान आया हुआ था, ये सारे तीन, शफकत का बेटा, उसका बेटा, वो उन्होंने मेरे साथ किया काम। फिर उसके बाद शाम 84 के तो 4 बच्चे आए, आप वाह सोचिए, शजात अली भी आ गया, शफकत का जी बेटा, शफकत सलामत का बेटा, वो मेरे प्रोग्राम में आया, और उसके बाद चांद और सूरज वो भी आए मेरे प्रोग्राम में। अच्छा उसके बाद फिर जो ग्वालियर घराना है, उसके तो 2 आए, छगन साहब का जो ग्रैंड सन है ना, मुस्लिम जी छगन, वो अब देखिए मुझे जबानी याद। अच्छा वो इतनी इज्जत मेरी, इतनी इज्जत, जब जी प्रोग्राम आते थे तो कहते थे सर हम हाजिरी देने आए हैं, ये ना सब नहीं, हम पैसे के लिए आए, हम आपके चरण छूने, अल्लाह की कसम मैं मजाक नहीं कर रहा, आप मेरे सही चरण कह में रहे हाथ। हैं। आई ट्रस्ट यू क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, क्योंकि शुजात तो हमारा भी बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी बेटी बहुत का फोन। प्यारा हाँ बच्चा है, लंदन जाता है, वहां से उसने फोन जी किया, हाँ तो वो सर मैंने आपका प्रोग्राम देखा, मैं आ जाऊं, मैंने कहा बिल्कुल आ जाओ, अपने खर्चे पे वो आया है, अपने खर्चे पे वो गया है, उसने मुझसे कभी नहीं पूछा, जो हमारी फीस होती है आपको पता है 500 हजार रुपये, उससे ज्यादा और क्या उस बेचारे का, वो तो अपना उसको जाहिर वाला, है हाँ उसका जी खर्चा हो जी जाता है, देखता है ना। मगर अब ये इतने बड़े बड़े, अब चूंकि मैंने इनके बाप दादाओं के साथ भी काम, अमानत अली खान के साथ मैंने काम किया, अच्छा असद के साथ मैंने काम किया, बिड्डे खान के उसके साथ, फतेह अली खान के साथ मैंने काम किया, छगन साहब के साथ मैंने काम किया, गुलाम हुसैन छगन साहब उनके साथ किया मैंने, सलामत अली खान साहब के साथ किया मैंने, नजाकत अली के साथ काम किया, अब आप सोचिए कितने मैंने नाम ले लिए जो इनके दादा परदादा है, और ये 8वीं जनरेशन है, अल्लाह जी ताला ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं इनके साथ काम करूं, ये अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी में ये मुझे कर दिया ना, बिल्कुल, और आप ब्लेस्ड हैं, आपको अल्लाह ताला बहुत बेस्ट, लंबी उम्र दे, कितना मैं सेहत शुक्र अदा अल्लाह ताला का करूं, कितना कम है, और जितना मैं करूं उतना ही आपको कम है। और जैसे मैंने आपसे कहा ना, और आई मीन इट,
कि आपको, आप किंग मेकर हैं। आप देखें, आठवीं जनरेशन जो है उसको भी आप सिखा रहे हैं, बना रहे हैं, जो मेरे इतनी को मेरे ट्रेनिंग। से सीख लो, पता नहीं कल को मैं हूं ना हूं, आप कम से कम आप आगे तो चल के काम करो ना, आगे अब देखे ना, इन्होंने आगे लेके जाना होता है ना हर हर चीज को, सर हम आगे अल्लाह लेके आपको आए सेहत दे, अल्लाह चलो आपको जिंदगी दे। आप अभी बहुत यंग है, इस तरह की बातें मत आप करें। आप बिल्कुल थैंक ऐसी बातें यू, मत अगर करें, आप अभी कहें तो मान हमने लेता बहुत हूँ। क्लोज करने हैं आपके साथ, बिल्कुल ऐसी हाँ बातें चलो मत करें। थैंक मेरे लिए आप इंस्पिरेशन है। आप यकीन करें, यू, थैंक यू सो मेरे लिए मच, आप इंस्पिरेशन है। मैं थैंक खुद यू बहुत कुछ सीख शुक्रिया, रही हूँ। तो थैंक यू इंशाल्लाह फिर बात होगी, तो जी जी इजाजत दीजिए। ठीक है, जी खवातीन हजरात, इंशाल्लाह मिलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू ओके, सो बाय, मच, अल्लाह थैंक यू, हाफिज। अल्लाह हाफिज।